लेसन टू गिफ्ट ऑफ चप्पल्स नेक्स्ट पार्ट मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। मृदु ने विंडो पर चढ़ने की कोशिश की, चुपचाप चढ़कर आई। लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे। लाली थोड़ी ही दूरी पर बैठी हुई थी, ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन, और अपने वायलिन को बहुत अजीब तरीके से पकड़ा हुआ था और साथ में ही बो स्ट्रिंग को भी। हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कॉन्सेंट्रेशन। उसकी एल्बोज बाहर की तरफ निकली हुई थी और उसकी आंखें बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से चमक रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। उसके सामने विंडो के बैक साइड पर एक पतली सी फिगर थी जो कि म्यूजिक मास्टर की थी। ही हैड अ मोस्टली बॉल्ड हेड। वो ऑलमोस्ट बिना बालों के सिर वाला था, गंजा था, विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर। बस एक छोटी सी लट थी जिस बालों की, जिसमें तेल लगा हुआ था। अराउंड हिज ईयर्स, जो कि उसके कानों के चारों तरफ थी, एंड एन ओल्ड फैशन टफ, और एक बालों का गुच्छा। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक। उसके एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। एक गोल्ड चेन चमक रही थी उसकी गर्दन में, और उसके हाथों में एक डायमंड रिंग थी जो तब चमकती थी जब उसका हाथ वायलिन को बजाने के लिए ऊपर या नीचे जाता था। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज। उसका पैर उसके गोल्ड बॉर्डर वाली धोती में से बाहर निकल रहा था। इट एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो। और वो अपनी पतली लंबी उंगली से, पैर की उंगली से बीटिंग कर रहा था, टैप कर रहा था। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स। उसने कुछ नोट्स बजाए। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। लाली ने भी उसके नोट्स को फॉलो करने की कोशिश की, बजाने की कोशिश की अपने वायलिन पे, विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो कि बिल्कुल हेल्पलेस थे, उससे बिल्कुल हो नहीं रहा था लाली से। नाउ इन दिस पिक्चर ऑल थ्री आर जस्ट ट्राइंग टू सी हाउ लाली इज प्लेइंग एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। उसके हाथों में वो वायलिन बिल्कुल हेल्पलेस लग रहा था। व्हाट अ डिफरेंस, कितना अंतर है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली। म्यूजिक मास्टर के जो नोट्स हैं, जो उसकी धुने हैं, वो हवा में तैरती हुई और पूरी तरह से सेटल लग रही हैं इन टू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, जो कि न दिखने वाली मेलोडी के ट्रैक्स पर चल रही हैं। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूदली इन टू द रेल्स एंड विजिंग अलोंग। ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रेन के व्हील्स, ट्रेन के पहिए बिल्कुल स्मूदली, आसानी से रेल्स पर फिसल रहे हैं, रवि ने ऐसा कहा। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बी रिंग हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन्स स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। मृदु ने घूर कर देखा वो बड़ा सा बी रिंग हैंड, जिसके अंदर रिंग थी, जिस ऐसे हाथों को उसने देखा जो बिना किसी एफर्ट के वायलिन के स्टेम के साथ ऊपर या नीचे जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा म्यूजिक सुनाई दे रहा है। स्क्वॉक, देयर वाज लाली डीरेलिंग अगेन। फिर से लाली के बजाने की आवाज आई, स्क्वॉक, और ऐसा लग रहा था कि कुछ फिर अपने रास्ते से हट गया है। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा, ओ, अचानक से गेट से आवाज आई, अम्मा, ओ अम्मा। रवि, सेंड दैट बेगर अवे, cried his mother from the back veranda where she was chatting. Veranda के back से रवि की मदर की आवाज आई, जो वहां पर बैठकर बातें कर रही थी, और रवि की मदर ने बोला कि रवि, उस भिखारी को वापस भेज दो। With Tapi, he has
और मदर तापी के साथ बातें कर रही थी। ही हैज बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक। वो यहाँ पर पिछले वीक से आ रहा है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, पाती एक्सप्लेन टू तापी। पाती ने तापी को कहा कि ये भिखारी यहाँ पर पिछले वीक से आ रहा है और अब ये समय हो गया है कि वो किसी दूसरे घर पे जाए भीख मांगने के लिए।